हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल, इट्स मी निदा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करूंगी और मैं रिव्यू शेयर करूंगी आप लोगों के साथ आज स्टे क्विर्की का। तो वो है ये स्टे क्विर्की आई लव यू टू ब्लू काजल का रिव्यू मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। और मैं इसका वेयर टेस्ट एंड ये वाटर असिस्टेंट है और जो भी ये क्लेम करता है वो सब कुछ सही है या नहीं, मैं इस पूरी वीडियो के दौरान आपको बताऊंगी। सो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो में एंटर करते हैं। तो वीडियो हेल्पफुल हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी आउटर पैकेजिंग की। तो ये एक क्यूट से कार्डबोर्ड काइंड ऑफ बॉक्स के अंदर आता है, वो कि मेरे हाथ से भी छोटा साइज़ का ये बॉक्स है। जब मैंने इसके पिक्चर purple.com पे देखी थी तो मुझे ये थोड़ा बड़ा काजल लग रहा था, लेकिन जब मुझे ये रिसीव हुआ तो काफ़ी छोटा सा इसकी पैकेजिंग है और छोटा है ये, आप देख सकते हैं मेरे हाथ से भी छोटा है। तो ये कुछ स्मॉल साइज़ कह सकते हो या मीडियम, आई थिंक मेबलिन के काजल जो होते हैं थोड़े बड़े होते हैं। इसका प्राइस है 215 रुपीज़। यस गाइस, मैंने इसे 215 रुपीज़ में ख़रीदा है और ये है आई लव यू टू काजल स्टे क्विर्की का। तो ये क्लेम करता है वाटर असिस्टेंट, स्मज प्रूफ, डर्माकोलॉजी टेस्टेड भी है ये काजल। एंड इसमें आपको और वेरिएशन में मिल जाएंगे, आपको ब्लैक, वाइट एंड ब्लू कलर में आपको ये काजल मिल जाएगा। तो मैं इसे ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ से आप इसे इजीली ओपन कर सकते हो। ये जो बॉक्स के साथ रिसीव हुआ है तो इसके ये है कि आप अपना काजल कहीं रख दो तो वो खोएगा नहीं, क्योंकि ये एक जो क्यूट से बॉक्स के साथ है तो इजीली आप इसे फाइंड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इसकी इनर पैकेजिंग, इस पर भी मेंशन क्विर्की आई लव यू टू। और इस वक्त मैंने इसे वेयर किया हुआ है तो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि ये अप्लाई करने में कैसा है और स्मज प्रूफ है भी या नहीं। तो ये थी इसकी इनर पैकेजिंग और मैं इसे अपने हाथ पे स्क्वॉच करके आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैं स्क्वॉच कर रही थी, ये टूट गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट काजल है। आपको बिल्कुल एकदम टीनी मीनी अमाउंट इसको ट्विस्ट करके निकालना होगा और फिर इसे यूज़ करना होगा। अगर आपने ज़्यादा बाहर निकाल लिया काजल को तो वो बहुत ईजिली टूट जाएगा। तो ये था इसका एक बुरी बात जो मुझे लगी। अच्छा ठीक है, तो अब मैं इसे फिर से रीअप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का नेवी ब्लू, ये ब्राइट ब्लू कलर नहीं है, ये एक नेवी ब्लू कलर है। वहाँ पे काफ़ी ब्राइट ब्लू कलर आपको दिखेगा पिक्चर्स में जब आप इसे ख़रीदना चाहोगे, बट ये स्टिल अ नेवी ब्लू कलर है। जो ब्लू जेल पेन का कलर होता है उसकी तरह से ये कलर मुझे लग रहा है, नेवी ब्लू कलर है ये। कैमरे में फिर भी थोड़ा ब्लू लग रहा है बट ये नेवी ब्लू कलर है, ब्राइट ब्लू कलर नहीं है। अब टेस्ट करते हैं ये वाटरप्रूफ है या नहीं। तो मैं अपने हैंड पे वाटर स्प्रे कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं अपने वाटर स्प्रे बॉटल की हेल्प से अपने हाथ पे वाटर स्प्रे कर रही हूँ जहाँ पे मैंने ये काजल को अप्लाई किया था। और मैं अपने हैंड से इसे जेंटली नहीं, बहुत हार्शली रब कर रही थी यहाँ पे, लेकिन ये ज़रा भी टस से मस नहीं हुआ, ये रिमूव बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये स्मज प्रूफ है। आँखों पर अप्लाई करने के बाद इससे कोई भी इरिटेशन नहीं होती है, मतलब आप अप्लाई करोगे काजल, सेंसिटिव आइज़ है मेरी, मुझे ज़्यादातर काजल मस्कारा जिसमें ज़्यादा स्मेल होती है, इसमें कोई स्मेल भी नहीं है बाय द वे। तब इसका टेस्ट करते हैं। तो अप्लाई जब आप इसे करेंगे तो आप अप्लाई करोगे तो बिल्कुल भी ईजिली अप्लाई हो जाता है क्रीमी फॉर्म में और क्विकली ड्राई भी हो जाता है ये काजल और बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता आइस पे। एज यू कैन सी, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये कितना ईजिली अप्लाई हो गया है मेरी आइस पे। और अगर आपको कलरफुल आई मेकअप लुक पसंद है तो आप इस तरीके के काजल से, कलरफुल काजल से आप इस तरह का लुक कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। और आपको ब्लू कलर और ब्लैक काजल कलर के काजल से अगर आप बोर हो गए हो और तो आप कोई न्यू वेरिएशन चाहते हो तो आप इस तरह के कलरफुल काजल को अप्लाई कर सकते हो। बस आपको सिंपली काजल ही अप्लाई करना और आपका आई मेकअप डन हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा लुक दे देता है आइस को ये काजल। तो आप जितना चाहो इसे इस कलर को बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसे अप्लाई कर लिया है तो आप देख सकते हो ये कितना प्यारा लग रहा है। तो ये वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग भी काफ़ी है। मैं इसे अप्लाई करती हूँ तो 2 दिन तक, 3 दिन तक मेरी आँखों से ये जाता नहीं है। तो ये था
इसका रिव्यू आप देख सकते हो, दिखने में भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ओके, तो अगर मैं ऐसे अपनी तरफ से पॉइंट दूँ तो इस काजल को मैं 10 out of 9 दूंगी, क्योंकि टूट जाता है इजीली अगर आप ज़्यादा इसे निकाल लो, ट्विस्ट करके ओपन होता है ये। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।